जैसा कि हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि हमने बताया भी हर बार, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो इम्पॉर्टेंट थे अभी हम लोगों ने अपलोड कर चुके हैं, उनको आप देख सकते हैं पहले वाले वीडियोस में। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन सेंटर को हम लोग डिस्कस करेंगे। इन सेंटर क्या होता है, ज्योमेट्रिकली कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे, उस पर आधारित क्वेश्चंस को देखेंगे। आप पूरे वीडियो को ध्यान दें अगर इन सेंटर के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इंटरनल इन सेंटर और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो डेफिनेशन जैसा कि यहाँ पे लिखा है इन सेंटर की, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इज कॉल्ड इन सेंटर आई। तो ये तो डेफिनेशन हुई। अभी हम लोग डेफिनेशन में जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है उसको ध्यान से समझेंगे। जैसा कि फिगर अभी बताया, तो इस फिगर पे भी हम लोग आएंगे भी, क्योंकि इन सेंटर आई से डिनोट किया गया, उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है ये फिगर। और इस चीज़ को भी हम लोग रोकते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर जैसे कि यहाँ पर इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन दोनों, दो लाइन के बीच में एंगल 60 डिग्री अगर कंसीडर किया गया, तो एक ऐसी रेखाखंड या लाइन जिसने क्या किया, इस बने हुए एंगल को दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया, 30 डिग्री 30 डिग्री। तो बने हुए एंगल को कोई ऐसे रेखाखंड या लाइन सेगमेंट दो बराबर भागों में बांटती है, तो उसको एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। कि एंगल को दो बराबर भागों में विभाजित कर देना, डिवाइड कर देना। अब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, जैसे कि यहाँ पे ट्राइंगल लिया गया, अब ट्राइंगल में इस वर्टाइसिस पे एंगल सब प्लेन है, इस वर्टाइसिस पे है, इस वर्टाइसिस, तीनों वर्टाइसिस एंगल बना रही, तो उसने बोला व्हेन बी ज्वाइन एनी वर्टेक्स, सपोज ए को ले लेते हैं हम लोग, टू अपोजिट साइड्स, तो ए के अपोजिट साइड्स क्या है, बी सी, इस बी सी इन सच ए मैनर, तो इस वाली वर्टेक्स को इस साइड से मिलाया, तो ज्वाइन करने का मतलब कोई रेखाखंड आपने खींचा, मगर आपने वो खींचा तो क्या ध्यान रखा, इट बाइसेक्ट्स द एंगल विच सबटेंड्स एट ए, मतलब ए के द्वारा जो एंगल अगर बना है, ए के द्वारा सपोज अगर थीटा बना है, तो आप इसको इस तरीके से ज्वाइन करिए कि ये थीटा बाई टू और ये थीटा बाई टू हाफ हाफ डिवाइड हो जाए। तो अब इस रेखाखंड को, इस रेखाखंड को बोलेंगे, लाइन सेगमेंट को, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। गॉट इट, क्लियर हुआ होगा, ठीक है। कि ये कहने का मतलब, इसी तरीके से हमने पिछली बार फिगर बनाया था और वहाँ पर ऐसे ए डी को ज्वाइन किया था और वहाँ पर इस ए डी को हमने मीडियन बोला था, तो ए डी के होने से मीडियन या इंटरनल एंगल बाइसेक्टर नहीं है। यहाँ पर ए डी को इस तरीके मिलाया कि ये सामने वाली भुजा को आधा आधा डिवाइड कर देती है, यहाँ पे इस तरीके से मिलाया कि ये आधा डिवाइड करती या नहीं करती उससे मतलब नहीं, कर भी सकती हो नहीं करती, बट ये एंगल को आधा आधा कर देती है, इस बात को ध्यान रखना है। एंगल बाइसेक्टर एडी को क्यों बोला जा रहा है और एंगल बाइसेक्टर एडी को मीडियन क्यों बोला जाता है, ये दोनों बातों में डिफरेंस है, उसकी डेफिनेशन, उसका जो फंक्शन है, उसका काम है, उसकी वजह से बोला जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पे देख रहे हैं, अब ऐसे ही देखिए, ट्राइंगल में ए के अपोजिट बी सी है, तो एक एंगल बाइसेक्टर ए डी लिया गया, ये इस वाले एंगल को आधा कर रही है, बी के अपोजिट ए सी है, तो एक बी ई लिया गया, ये इस एंगल को आधा आधा कर रही है। मानक हमने स्टैंडर्ड लिया है कि ये जो भी बाइसेक्टर है वो इनके एंगल को आधा आधा कर रहे हैं। एक ऐसे ही सी से इसके लिए भी ले सकते थे, जो सी एफ है, वो तीनों एक जगह जहाँ मिल रहे हैं उसको कैपिटल आई इन सेंटर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इन सेंटर, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही इन सेंटर है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और इन सेंटर की डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए, और यहाँ पे हमने एक्सप्लेन की, आ गई होगी कैसे इन सेंटर के पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट निकालेंगे और उसके आधारित क्वेश्चंस को आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ फिगर हमने लिए हैं, फिगर नंबर ऑफ फिगर्स को ज़्यादा इसलिए लिया कि आपको वो चीज़ सहज तरीके से आसानी से आ जाए। एक ही फिगर में ये चीज़ क्यों नहीं ली गई, तो ये फिगर एक ही था बेसिकली और इसको अलग अलग पार्ट में दिखाया गया है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं। कोई भी अगर आपको, आपने ट्राइंगल ए बी सी कंसिडर किया है, तो ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में सिखाया गया है कि वर्टाइसिस ए के सामने स्मॉल ए, मतलब इस लेंथ, इस भुजा की लेंथ को स्मॉल ए से डिनोट कर रहे हैं, बी सी जो लेंथ है वो स्मॉल ए है, बी के सामने वाली को बी से डिनोट कर रहे हैं स्मॉल बी से, और सी से सामने वाली भुजा की लेंथ को स्मॉल सी से। तो ये स्मॉल लेटर में जो लिए गए लेंथ हैं साइड्स के, और ये कैपिटल लेटर में वर्टाइसिस हैं, ठीक है। यहाँ पर हम दिखाया कि इसी ट्राइंगल में
डी जो है, डी पॉइंट को ए से जब मिलाते हैं तो ये एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर जैसा कि अभी डिस्कस कर रहे थे एंगल बाइसेक्टर है। तो अब हम एंगल बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट जैसे यहाँ पर ट्राई किया गया है, दिखाया गया है कि हमें अब इससे ना मतलब हो कि अगर हम यहाँ पर इस चीज़ को, इस लाइन सेगमेंट को देखें तो बी के पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट हमें पता है क्योंकि ट्राइंगल दिया गया था, वर्टाइसिस पता थे और सी के पता है। हमें डी के निकालने हैं बेसिकली, इसको निकालने के लिए ये पता है, ये पता है, ये निकालने के लिए आपको पता है। एक हम यहाँ पे और एक चीज़ क्लियर कर दें, ए और बी, अगर सी के पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट पता करना हो, ये रेशियो पता हो और यहाँ पर आपको ये पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट पता हो, तो आप इंटरनल एंगल इंटरनल डिवीजन से एक्स आप पता होगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, ऐसी सिमिलरली वाई भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ रेशियो पता है और ये पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट पता है, तो आप जो पॉइंट इसको m इज टू n के रेशियो में इंटरनल डिवाइड करा उसके पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूले से, जिसको इंटरनल डिवीजन बोलते थे या आपको पता होगा, उससे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट पता है a b और c के, d के पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट तभी निकाल पाएंगे जब ये रेशियो में पता हो। इस बात को दिमाग में रखते हुए, कंसिडरेशन करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर दर्शाया गया है कि इस भुजा, इस वर्टाइस के सामने कोई भुजा लेंथ c है और इस वर्टाइस के सामने भुजा b है, तो ये जो d है ये आगे दिखाया गया है, एक लाइन सेगमेंट ली गई, बाकी चीज़ों को हटा दिया गया जो इम्पोर्टेंट था b d c में, ये दिखाया गया कि लाइन सेगमेंट को इसको इधर लाए गए। तो ये रेशियो जो होगा इसका प्रॉपर्टी, जब ट्राइंगल में जाएंगे तो उतना डीप नहीं जाते हैं, तो इसका प्रोजेक्शन मतलब अगर इस ट्राइंगल में इसका प्रोजेक्शन देखें तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ मान लें c, इसका प्रोजेक्शन मतलब ये अगर ये साइड ऐसे गिरे तो ये प्रोजेक्शन ही होगा, तो ये सी होगा और ये बी होगा, तो सी रेशियो बी। तो हम यहाँ क्या समझें कि डी डिवाइड्स बी सी इंटरनली इन सी रेशियो बी, बी सी को सी रेशियो बी में और सी बी को बी रेशियो सी में। तो इसका मतलब है दैट इज इंटरनल एंगल एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स अपोजिट साइड्स, अबू साइड्स इन द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड्स। देखिए यहाँ पे जैसे कि ए ने अपोजिट साइड बी सी को डिवाइड किया तो जो लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड है तो एक साइड ये बची, इसी साइड को हम डिवाइड करें तो बाकी जो साइड्स बची उनकी लेंथ के रेशियो में, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, इसी को हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपके सामने हमने दो चीज़ें ली हैं, एक तो प्रूविंग और एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको पहले देख लेते हैं और प्रूविंग भी साथ साथ देख लेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया गया, फाइंड द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विद वर्टाइसिस, वर्टाइसिस दी गई तो इन सेंटर निकालना है। देखिए प्रूविंग आपके सामने है, प्रूविंग को मैंने क्लियरली एकदम बिल्कुल से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, फिगर आउट किया है। लास्ट में हमारा फार्मूला है ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, और ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, बिल्कुल विजिबल है, आप इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। कैसे अगर प्रूविंग में इंटरेस्टेड है तो आप इतने में समझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को कुछ पार्ट हमने प्रूव कर चुके हैं। देखिए क्या किया है, वर्टाइसिस 0,0 3,0 और 0,4 लिया। अब हमें लेंथ वहाँ पे देखिए लेंथ ली गई थी तो यहाँ लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको बताया गया था, यहाँ पर 3 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर तो 3 आ गया, यहाँ पर देखिए 4 आ गया और यहाँ पर कैलकुलेट करें तो 5। तो दोबारा दिखाया गया है ए बी सी में 3, 4, 5। अब आपका फार्मूले की बारी आती है, तो फार्मूला कैसे लगाते हैं वह आपके सामने कैलकुलेट करते हैं। इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 माना गया है, इस वाली वर्टाइसिस को के कोऑर्डिनेट को इससे मल्टीप, सामने वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 0, इस वाले x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 और इस वाले को इससे, तो कितना आ गया मतलब x1 y1 x2 y2 x3 y3 तो 12 आ गया, अपान तीनों लेंथ जो है उनको ऐड कर देंगे 3 प्लस 4 प्लस 5, ऐसे ही y के लिए करेंगे। तो
ए बाई वन दैट इज जीरो, बी बाई टू तो यहां पे भी जीरो, अब सी बाई थ्री तो वहां पे भी क्या है ट्वेल्व आ गया, यहां पर थ्री प्लस फोर प्लस फाइव तो यहां पे वन कामा वन इन सेंटर आ गया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रखें, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इससे क्या हुआ, प्रूविंग भी आपको मिल गई और क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। एक शॉर्टकट हम लोग देखते हैं, उसके आगे एक और देखेंगे, दो शॉर्टकट देखेंगे, दो शॉर्टकट से आप ध्यान रखिए, फिर आगे अगर आप इस पर और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो एक शॉर्टकट आपके सामने है, शॉर्ट मेथड, आप देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे इन सेंटर आप ट्राइंगल निकालना है जिसकी वर्टाइसेस 0,0, 1,0 और 0,b टाइप की है, जनरल कोई भी हो इस टाइप फॉर्मेट में, तो डायरेक्टली आपको करना है ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से करना है। एक एग्जाम्पल आपके सामने ले रहे हैं, इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल 0,0, 3,0 और 0,4 जो अभी पीछे लिया था। अब देखिए इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं कि इस वाली वैल्यू जो 3 दी गई है एब्सिस उसको ए मान रहे हैं और इस 4 को बी मान रहे हैं, इससे इसको मैच कराएंगे इस टाइप के कोऑर्डिनेट को और इस टाइप कोऑर्डिनेट को इससे मैच करा देंगे, वो आगे पीछे कहीं भी दिए उससे मतलब नहीं है, मतलब ये इधर गया हो या इधर गया हो तो उससे मतलब नहीं है, इस टाइप के कोऑर्डिनेट को इससे मैच करा देंगे। अब देखिए ए बी, ए की वैल्यू 3 कंसीडर कर रहे हैं, बी की वैल्यू 4 यहाँ रखेंगे, तो 3 × 4 अपॉन 3 + 4 प्लस रूट के अंदर 3² प्लस 4² ऐसे यहाँ पर भी 3 × 4 और 3 + 4 प्लस रूट के अंदर 3² प्लस 4². अब आंसर मैच करा देते हैं, तो यहाँ पे 12 अपॉन 3 + 4 प्लस 5 तो यहाँ पे भी 12 अपॉन 3 + 4 + 5 तो 12/12 1,1 पीछे भी आया था, तो आप इसे डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सपोज जैसे कि कोई और एग्जांपल लेते हैं हम, कोई भी यहाँ पे सपोज वर्टाइसेस ली 0,0 और यहाँ पे हमने लिया 3, यहाँ पे ले लिया हमने सपोज 0,5 ले लिया और 4,0 लिया, तो हमें इससे ऑर्डर से मतलब नहीं है, वर्टाइसेस किसी भी ऑर्डर में दी गई हूँ, देखिए यहाँ पर ये दिया गया तो इसको हम इससे मैच करा देंगे। ओके, तो ए की वैल्यू कितनी का कंसीडर करेंगे 4 और ये यहाँ पे इस टाइप का है तो ये 5। अब ए और बी की वैल्यू कंसीडर करके यहाँ पे सीधे डायरेक्टली आपको पुट करना है, ये डायरेक्ट मेथड है, बस ए और बी की वैल्यू पुट करिए आंसर निकाल लीजिए। ठीक, एक क्वेश्चन आपके सामने हमने लिया है और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, शॉर्ट मेथड है बट कैसे होगा ये देखें, यहाँ पे इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टाइसिस 1,1 -1,-1 और -√3, यहाँ पे हमने प्रयास किया है दिखाने कोशिश की बट ऐसा ज़रूरी नहीं है और इतना करें ये ज़रूरी नहीं है, फिर भी हम दिखा दे रहे हैं कि अगर आप इनके बीच की लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हमने दिखाया है कि यहाँ पे 2√2 है और यहाँ पे भी दिखाया क्या है 2√2 है, इसकी भी लेंथ 2√2 होगी, लेंथ बराबर है तो एक कैलकुलेटेड ट्राइंगल है। एक शॉर्टकट या शॉर्ट मेथड जान लें कि इफ एनी वर्टेक्स कंटेंस इरेशनल कोऑर्डिनेट्स देन इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स मे बी वन ऑफ पॉसिबिलिटीज। ओके, मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि मे बी इसलिए लगाया कि 100% कंफर्म नहीं है बट मैक्सिमम चांसेस जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो उनका इंटेंशन है कि आप इरेशनल कोऑर्डिनेट का मतलब है जैसे कि यहाँ पे √3 और √3 टाइप के, क्योंकि वो एग्जाम में इतना ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं देगा कि आपसे ये चेक कराए कि एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी वाइज डायरेक्टली आपको क्वेश्चन वो देगा, तो उसने इसी इंटेंशन दे दिया कि आप एक बार हिंट है कि आप इक्विलेटरल ट्रायंगल आइडेंटिफाई कर ले। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल आइडेंटिफाई कर लिया तो ये ध्यान रखें कि इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड एंड इन सेंटर विल कोइंसाइड, कौन साइड का मतलब है सेम होंगे, क्या होंगे एक ही होंगे, तो अब इन सेंटर की बजाय हम क्या करें सेंट्रॉइड निकाल दें, क्या निकाल दें
सेंट्रॉइड आप जानते ही हैं, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री, और ऐसे ही वाई के साथ भी करेंगे। ओके तो यहाँ पे सीधे कर दें, हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे वन माइनस वन माइनस रूट थ्री अपॉन थ्री, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वन माइनस वन प्लस रूट थ्री अपॉन थ्री। तो देखिए यहाँ क्या आएगा, माइनस वन अपॉन रूट थ्री और वन अपॉन रूट थ्री। तो हमें पहले से ही मतलब इतना हमें करना नहीं था, इक्वलेटर एंगल पहचानने के लिए, आपको जस्टिफाई करने के लिए, आप ये एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे इतना किया। जैसे ही रेशनल कोऑर्डिनेट देखे, आप क्या करिए, इन सेंटर का कोई फॉर्मूला मत लगाइए, कोई लेंथ आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे क्या करिए, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री और वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री। सेंट्रॉइड और इन सेंटर दोनों एक ही होंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ और ट्रिक्स शॉर्टकट्स इन सबको अप्लाई करें। आगे अभी क्वेश्चन सब देंगे, आप उस क्वेश्चन को करिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसमें पेशेंस रखनी है, बट हमने बोला कि पहले से कमिटमेंट किया है कि सारे लेक्चर्स को कॉन्सेप्ट वाइज देते रहेंगे। उनमें से कौन लोग इसको फ़ायदा ले रहे हैं ये आपके ऊपर है, इसी तरीके से आप कंटिन्यू रखिए, आगे भी ऐसे करते रहेंगे। सारे बच्चों जो लास्ट तक इस वीडियो के पहुँचे हैं, मैं मानूंगा कि वो बहुत पेशेंसली काम कर रहे हैं, और जो आज लास्ट के वीडियो में, वो अगर इस वीडियो को जब देखें और इसी समय कमेंट करें कि मैंने लास्ट तक इसको देखा है, यानी कि मन से वही पढ़ रहे हैं, और फिर हम उनके लिए कुछ और प्रयास करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपकी डिमांड पर हमने दिए हैं, आप इनको बारी बारी से नोट कर लें। एक दो तीन चार पाँच क्वेश्चंस हैं, एक बार अपने कॉन्सेप्ट को मैच कर लें। आगे फिर मैंने बोला ही है कि जो लास्ट में अभी तक रहे हैं वो सही बात में, सही मामले में यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, वो ज़रूर आज कमेंट करें, बताएं कि और उनको क्या डिमांड है। इसी तरीके से आप प्रयास करते रहिए, मैं भी लास्ट तक आपसे लगा रहूँगा। हर टॉपिक को एक ही तरीके से बहुत ही अच्छे मन से पढ़ाया जाएगा, और इसी के साथ बाइंड अप करते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट टाइम पर नए वीडियो के साथ आएंगे।